القرآن يوحدنا لطريق الخير يوزدنا. الله تعالى أنزله ورسول الله معنى. بسم الله الرحمن الرحيم فصل ي فصله ولعلك علمت مما تلون عليك في بيان الحاجة और शायद के आप जान चुके होंगे मल कफ़ी पयान लिहाजा उस इबारत से जो आपने ज़िक्र की है मंदिक की ज़रूरत के सिलसिले में हद दलमत व तारीफ़ हो मनत की हद और उसकी तारीफ को यहाँ से लेके और इस मुक़दमे के आखिर तक साहब किताब ने मंतिक की तारीफ मौजू और गरज़ को बयान किया है मुकदमे के अंदर इन्हीं सब चीज़ों को बयान किया जाता है तो साहिब किताब की कहने के कहने का मनशा ये है कि हमने माकबल में जो मंतिक की ज़रूरत के सिलसिले में यानी मंतिक की ज़रूरत क्यों है बयान किया था तो अगर बिलन है और उसका जहन शबकत करने वाला है तो उन्हीं इबारतों की रोशनी में तलब इम मनती की तारीफ को समझ गया होगा मौजू को भी समझ गया होगा गर्ज़ वायद को भी समझ गया होगा इसलिए कि हमने उसमें इन सब चीज़ों की तरफ इशारा कर दिया था के कोई गौर करने वाला तालब लेकिन चूँकिलबा की जहनी सलाहतें मुख्तलिफ़ होती हैं कोई बहुत ज़्यादा ज़हन होता है कोई मुतवसित होता है कोई कुल जहन होता है इसलिए यह अलग अलग सराहता मनती की तारीफ़ मौजू और गज़ व बहन कर रहे तो कह रहे हैं कि मनती किसे कहते हैं मिन अन निल्मे कवानीन कि मंतिक ऐसे कवानीन और क़वाद के जानने का नाम है तासीम मुरात हुआन अल्ख फ़िलफ़िक्र कि जिसकी रहायत जहन को ख़ाफिलफ़िक्र से बचाती है यानी पहली शरत यह है कि आप मंतिक के केवायद को पढ़ें उसको याद करें समझें उसको और दूसरी शर्त ये है कि गौर व फ़िक्र जब करें आप तरतीब मुद जब दें मुकदमा को तरतीब दें तो उस वक्त इन कवायद की रहायत करें बस याद कर लेने से भी आप ऐसा नहीं कि जो है सही फ़िक्र तक जाएंगे सही नतीजे तक जाएंगे ऐसा नहीं ग़ौर व फिक्र करने तक, करते वक्त इन कवायद को सामने रखना इन कवायद की रायत करना आपको ख़ाफिल फ़िक्र से बचाती है कवानी तसिमरा रत जहना दिलखायफिलफ़िक्र कििल मनत ऐसे कवानीन के जानने का नाम है जिसकी रियायत जहन को ख़ाफिल फ़िक्र से बचाती है फ़सल ये फ़सल है इस फ़सल के अंदर सबसे पहले मतलक़ मौजुअ की तारीफ़ करेंगे और उसके बाद मनत की मौजू को बतलाएँगे तो सबसे पहले मतलक़ मौजुँ किसे कहते हैं उसकी तारीफ़ कर रहा है कह रहे हैं मौजूद हर इल्म का मौ वो है मायू बफ़ी ही और आवारारजी ज्यादू जिसके अंदर उसके आवारारजाती से बहस की जाए मिसाल समझा रहे बदनसान तब भी जैसे कि किब के लिए इंसान के बदन तो इल्म इल्मिब के अंदर इंसान की बदन से बहस की जाती है कि जब बीमार हो बुखार हो तो उसको कौन सी दवा देनी है अगर उसको दर्द हो तो कौन सी दवा देनी है क्यों इसलिए कि तिब बदले इंसान इंसान के बदन तिब के लिए आवारी से जाती है वलकलीमती वलकलीमती वलकलामी लिए और इलम के लिए कलमा और कलाम तो इल्मे लहु के अंदर कलमा और कलाम से बहस की जाती है फवाज़ू अलमदीकी अलमालूमात अतसवुरियतु वतसदीकीयतु तो इल्म मदीक का मौज़ू मालूमते तसवुरिय और मालूमते तसदीकीया है लाकिन ला मतलकर। लेकिन ला मुतलक़त लेकिन मुतलक़त नहीं बल्कि حيث انها موصلة الى المجهول बल्कि इस حیثیت से कि ये मालूम तस्वरिया मजहूल तस्वीर तक और ये मालूम तस्दीकिया मजहुल तस्दीक तक पहुँचाने वाली है तो एक फ़ायदा इस फ़ायदे के अंदर ये बयान करेंगे मनत की गर्ज वायत को एलब अंदमिन वदायात जान लीजिए कि हर इलम और हर फन की एक के लिए एक मकसद होता है व इलाकाना तला वह आबास वरना तो उसका तलब करना बेकार हो जाएगा अगर कोई मकसद ही नहीं होगा तो आदमी उस इलम को उस फर्म क्यों हासिल करेगा कुछ ना कुछ फ़ायदा होना चाहिए व ही लगवा और उसके अंदर कोशिश करना बेकार होगा वायतमीज़ादानसावत वफिलफ़िक्र और मन्तिक की झात अलसाबिलफिक्र फ़िक्र के अंदर दुरुस्तगी है सही सोच तक सही फिक्र तक पहुंचना है फिर नज़र और राय को नज़र की गलती से बचाना है तो इलिवद्दी को हासिल करेंगे इलमदी को पढ़ेंगे क्यों पढ़ेंगे इसलिए पढ़ेंगे ताकि हम सही फ़िक्र तक पहुँच सकें